हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोनों साथ में लीदी के पास वापस आ जाते हैं। लीदी पूछता है, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? सुमो वहाँ से चला जाता है। काइन बोलती है, मेरी मदर मुझे यहाँ फॉलो कर रही थी, उन्हें लगता है मेरा सुमो के साथ कुछ चल रहा है। लीदी बोलता है, मुझे यकीन है कुछ नहीं है, तुम्हारी मदर की भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सुमो कार लेकर आ जाता है मदर को पिक करने, और उसे ताइन की मदर भी मिल जाती है। सुमो अपनी मदर को बताता है, ये हमारी पड़ोसन है। सुमो की मदर ताइन की मदर को भी अपने साथ कार में ले जा रही होती है। ताइन की मदर सुमो से पूछती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? सुमो की मदर बोलती है, हाँ इसकी गर्लफ्रेंड है, इसने कल ही मुझे बताया, पर अभी तक मैं उससे मिली नहीं हूँ। ताइन की मदर शोर हो जाती है, जरूर उसकी बेटी ही सुमो की गर्लफ्रेंड होगी। इसके बाद ताइन की मदर फादर को बोलती है, मैंने कहा था हमारी बेटी का कुछ चल रहा है, आज कंफर्म हो गया। तभी ताइन भी घर आ जाती है और मदर से पूछती क्या हुआ। फादर बोलते हैं, आज ये इधर उधर दौड़ रही थी तो पैरों में दर्द हो रहा है। ताइन कुछ नहीं बोलती, जबकि उसे पता आज उसकी मदर उसी का पीछा कर रही थी। ताइन अपनी मदर को बताती है, मैं ये फिश अपने फ्रेंड को देने जा रही हूँ। मदर बोलती है, कहीं नहीं जाओगी, मेरे और तुम्हारे फादर की टांग टूटी है, तुम यहीं रहकर हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। ताइन अपने फादर को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भेज देती है, लेकिन मदर फिर भी ताइन को नहीं जाने देती और उसे मसाज करने को कहती है। ताइन अपनी मदर को मस्का लगाती है, आपकी स्किन खराब हो गई है, मैं आपके लिए फेस मास्क लाती हूँ। और फेस मास्क लाने के बहाने सुमो को कॉल करती है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तुम वेट करो। ताइन वापस आकर मदर को फेस मास्क लगाती है और फादर को इशारा कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। ताइन सुमो के साथ एक आइलैंड पर जा रही होती है, जहाँ पर अंकल गुआव का घर है। ताइन की हालत बोट में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद ताइन की मदर भी रूम में आकर देखती है, उन्हें उनकी बेटी नहीं मिलती तो समझ जाती है वो उन्हें पागल बनाकर घर से भाग गई है। ताइन और सुमो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और एक लेडी से अंकल गुआव का घर पूछते हैं। वो लेडी बताती है, मैंने उन्हें बीच के पास देखा था। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, अंकल गुआव वहाँ नहीं होते। ताइन पानी से खेलने लग जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। गुआव उसके लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। पीछे से ताइन फिश को नीचे रखकर रेत के साथ खेलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद ताइन देखती है उसकी फिश तो पानी में डूब रही है। ताइन उन्हें वापस लेने के लिए बीच में चली जाती है। सुमो वहाँ आता है, ताइन नहीं दिखती तो बीच में जाकर देखता है। तभी ताइन उसके सामने आ जाती है। सुमो पूछता है, यहाँ क्या कर रही थी? ताइन बताती है, फिश डूब रही थी, उसे ही लेने आई थी। दोनों वहाँ से वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें अंकल गुआव मिल जाते हैं और दोनों को अपने घर लाते हैं। सुमो ताइन की चोट की मलम पट्टी करता है। सुमो अंकल गुआव को अपने ड्रोन का डिजाइन दिखाता है। अंकल गुआव को काफी पसंद आता है और पार्टनरशिप करने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों वापस घर आ जाते हैं। ताइन घर में आती है, मदर उस पर चढ़ जाती है, कल रात तुम कहाँ गायब थी? लेकिन ताइन के फादर अपनी प्यारी बेटी को मदर की डांट से बचा लेते हैं और लीदी को बोलते हैं, इसे जल्दी से रूम में ले जाओ। लीदी ले जाता है। दोनों टेरेस पर खड़े होते हैं। ताइन को सुमो दिखता है, जो हुई के साथ अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। दोनों को साथ देखकर ताइन को गुस्सा आता है। ताइन लीदी को बोलती है, मुझे आइसक्रीम शॉप छोड़ दो। लीदी उसे कार में ले जा रहा होता है। सुमो उन्हें देख लेता है और उसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वोंग लीदी और ताइन के पास आता है और कैंपियन पर जाने का प्लान बनाता है। लीदी और ताइन मान जाते हैं। वोंग ये बात सुमो को भी बताता है, हम सब कैंपियन पर जा रहे हैं। सुमो जाने से मना कर देता है। वोंग बताता है, ताइन भी जा रही है। ये सुनकर सुमो हाँ बोल देता है। नेक्स्ट डे सभी कैंपियन पर पहुँचते हैं। ताइन सुमो को जानकर इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि उसे उस पर गुस्सा आ रहा होता है और सुमो को ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। सुमो अकेले में बीच के पास खड़ा होता है। ताइन भी घूमते फिरते हुए वहाँ आ जाती है। सुमो पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ताइन बोलते है, मैं कुछ नहीं कर रही, तुमने ही पहले सब कुछ शुरू किया, तुम तो उस सुई के साथ काफी खुश लग रहे थे। सुमो उसे अचानक से किस कर देता है और पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ताइन हाँ बोल देती है। दोनों शर्माते हुए वापस आ जाते हैं। लीदी ताइन को नोटिस करता है और उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर दोनों एक दूसरे को सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी लीदी भी बाहर आ जाता है और ताइन से पूछता है, तुम्हें रात को नींद कैसी आई? ताइन बोलती है, ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से अनकंफर्टेबल लग रहा था। लीदी बोलता है, मेरी तो रात को मच्छरों ने पप्पी ले ली। इसके बाद सभी वहाँ से कार में वापस जा रहे होते हैं। सुमो छुपके से ताइन का हाथ पकड़ लेता है। ताइन को अच्छा लग रहा होता है। दोनों घर के पास पहुँचते हैं। सुमो पूछता है, तुम मॉर्निंग में मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रही थी? ताइन बोलती है, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है ना। सुमो बोलता है, ठीक है तो आज हम दोनों डेट पर चलते हैं,
ताकि तुम्हें मेरी आदत हो जाए। ताइन हाँ बोल देती है। तभी ताइन की मदर बाहर आती है और दोनों का हाथों में हाथ देख लेती है। इसके बाद मदर ताइन की क्लास लगाती है, तुम तो कैंपेन पर लीदी के साथ गई थी तो वापस उस सुमो का हाथ पकड़ कर क्यों आ रही थी, और ये बताओ लास्ट नाइट तुमने क्या किया है। ताइन बताती है मैं और सुमो रिलेशनशिप में हैं। मदर बोलती है मुझे बिलीव नहीं, सुमो जैसा लड़का तुम्हें इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। ताइन पूछती है क्या आपने मुझे कचरे के ढेर से उठाया है। मदर बोलती है तुम गलत समझ रही हो, जिस तरह का इंसान सुमो है उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। ताइन बोलती है वो तो मुझे आज डेट पर भी लेकर जा रहा है। मदर उसे कुछ तरीके बताती है ताकि ताइन कंफर्म कर सके कि सुमो उसे लाइक करता है या फिर टाइम पास कर रहा है। मदर बोलती है अगर वो तुम्हारा एडवांटेज लेने की कोशिश करे तो समझ जाना वो लड़का तुम्हारे लिए एकदम ठीक नहीं है। ताइन बोलती है सुमो ऐसा लड़का नहीं है। मदर बोलती है तुम्हें कैसे पता, तुम तो अभी कुछ टाइम पहले ही उससे मिली हो। ताइन अपनी मदर को ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी फादर वहाँ आकर बोलते हैं तुमने ताइन को इतना ज्यादा डरा दिया है, वो बेचारी डेट को एंजॉय कैसे करेगी। मदर फादर को गुस्से से देखने लग जाती है। फादर भी उठकर वहाँ से चले जाते हैं। सुमो भी अपने घर के अंदर आता है। मियाँ सुमो को बोलती है तुम सही टाइम पर आए हो, मेरी ऑफिस में मीटिंग है, तुम मदर को एयरपोर्ट पर छोड़ दो। सुमो बोलता है मेरी आज डेट है, मैं नहीं जा पाऊंगा। दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, ये किसके साथ डेट पर जा रहा है। टूसी और ताइन डेट के लिए तैयार हो रही होती है। मदर पूछती है इतना ज्यादा तैयार क्यों हो रही हो, अगर वो लड़का तुम्हें सच में पसंद करता है तो तुम्हें बिना मेकअप के भी लाइक करेगा। ताइन बोलती है ये मेरी फर्स्ट डेट है, मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ। मदर बोलती है ठीक है तो थोड़ा सा मेकअप कर लो, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुमो ताइन को पिक करने कार में आता है। ताइन ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि इससे पहले सुमो सिर्फ बाईसाइकिल चलाता था। ताइन पूछती है क्या इस कार का इस्तेमाल तुम लड़कियों को पिक करने के लिए करते हो। सुमो बोलता है ये कार मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, तुम पहली और आखिरी लड़की हो जो इसमें बैठोगी। ताइन ये सुनकर खुश हो जाती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। सुमो किस कर अपनी डेट की शुरुआत करता है और इसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं। मूवी हॉरर होती है तो सुमो बुरी तरीके से डर जाता है। ताइन को ये देखकर हंसी आ रही होती है और मूवी को एंजॉय करती है। मूवी खत्म होने के बाद दोनों बाहर आते हैं। तभी सुमो को ऑफिस से कॉल आ जाता है और तुरंत बुलाते हैं। सुमो ताइन को उसकी आइसक्रीम शॉप में छोड़कर अपनी कंपनी में चला जाता है। ताइन उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। मोमो पूछती है तुम उसे देखकर इतना हंस क्यों रही हो। ताइन बताती है मैं और सुमो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मोमो ताइन के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ताइन की शॉप में सुमो की कंपनी की दो एम्प्लॉइज आती हैं और गॉसिप करती हैं कि सुमो आजकल बड़ा अजीब बिहेव करता है, लगता है किसी के प्यार में है, कहीं वो हुई तो नहीं है। ताइन को ये सुनकर गुस्सा आता है और उन लड़कियों को बोलती है सुमो की गर्लफ्रेंड मैं हूँ। वो लड़कियाँ बोलती है क्या मजाक कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो हम भी बोल देंगे कि हम सुमो की गर्लफ्रेंड है। ताइन बोलती है मैं सच बोल रही हूँ। वो लड़कियाँ बोलती है पूरा ऑफिस जानता है सुमो और हुई एक दूसरे को पसंद करते हैं और चाइल्डहुड फ्रेंड है। तभी सुमो भी वहाँ जाता है। वो लड़कियाँ सुमो को बोलती है लड़की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बता रही है। सुमो ताइन का हाथ पकड़ता है और उन लड़कियों को बोलता है जाकर ऑफिस में बता देना ताइन मेरी गर्लफ्रेंड है। दोनों लड़कियाँ शॉक हो जाती हैं। सुमो ताइन को लेकर चला जाता है। टूसी और लीदी अपसेट होकर बैठा होता है और ताइन के बारे में ही सोचा जा रहा होता है। वोंग उसे समझाता है जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें तुरंत अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए, नहीं तो पता चला कोई और ही उसे लेकर लव का चक्कर हो गया और फिर हमें अफसोस होगा। दूसरी ओर सुमो ताइन को अपने स्टूडियो में लेकर आता है और उसको अपने हाथों का बना खाना सर्व करता है। ताइन बोलती है मुझे भूख नहीं लग रही। सुमो उसे किस कर देता है। दोनों डिनर स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। ताइन को उसकी मदर का कॉल आता है और बोलती है जल्दी से घर आओ, अभी तक तुम्हारी डेट खत्म नहीं हुई है क्या। ताइन बताती है अभी तो डिनर स्टार्ट हुआ है। मदर बोलती है वो मुझे नहीं पता, घर टाइम पर आना। थोड़ी देर बाद ताइन घर पहुंच जाती है। मदर बोलती है तुम तो थक गई होगी ना। ताइन बोलती है नहीं। मदर बोलती है इतना घूमने के बाद भी थकी नहीं, और सुमो की तारीफ करने लग जाती है। वैसे सुमो अच्छा लड़का है। ताइन पूछती है अचानक से आपको क्या हो गया, आप उसकी तारीफ क्यों कर रही हैं। मदर बोलती है जब तुम दोनों शादी करोगे तो मुझे कार नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि तुम दोनों पड़ोस में रहते हो। ताइन बोलती है आप ज्यादा ही दूर की सोच रही हैं, शादी की बात कहाँ से आ गई बीच में। मदर बोलती है डेट कर रही हो तो शादी तो उसी से करोगी ना। ताइन को गुस्सा आता है। फादर बीच में बोल पड़ते हैं क्यों अपनी बेटी के मामले में अड़ंगी देती रहती हो। मदर बोलती है मैं तो दूंगी। ताइन उठकर चली जाती है। इसके बाद ताइन चेक करती है यूके की यूनिवर्सिटी में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है
बस अब उसे एक इंटरव्यू क्लियर करना होगा। तानिया देखकर पहले तो खुश होती है और फिर सैड हो जाती है, क्योंकि अगर उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो उसे सुमो को छोड़कर दूसरे देश जाना होगा। तभी तानिया को सुमो का मैसेज आता है और उसे बालकनी में बुलाता है। दोनों एक दूसरे से बालकनी में खड़े होकर प्यार मोहब्बत की बातें करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तानिया उठती है, सुमो उसकी आंखों के सामने होता है। तानिया पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमो बताता है, तुमने ही तो लास्ट नाइट कहा था रोज सुबह उठकर तुम सबसे पहले मुझे देखना चाहती हो। टाइम पूछती घर में कैसे आए, सुमो बताता है बालकनी से। टाइम खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। तभी मदर भी रूम में आ जाती है और ये देखकर तो शॉक हो जाती है। मदर बोलती है, ब्रेकफास्ट तैयार है, अगर गले मिलने का काम खत्म हो जाए तो नीचे आकर खा लेना, और ये कहकर चली जाती है। ताइन एम्बेरस होकर वापस ब्लैंकेट में घुस जाती है। सुमो बाहर आकर ताइन के पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फादर पूछते ये कब आया, मदर बोलती है बहुत देर पहले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।